पाकिस्तान ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले और सिखों को धमकाने की बात से इनकार किया था, लेकिन पाकिस्तान का ये झूठ दुनिया के सामने आ गया है। दरअसल उस शख्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो गुरुद्वारे के बाहर सिखों को धमका रहा था। इमरान नाम का ये शख्स अब सिखों से माफी मांग रहा है। मैं जिस बात में काफी सारी बातें कर गया सिखों के बारे, अगर किसी की भी की दिल आजारी हुई हो जिस जगह पे भी रहता है, तो मैं माजरत करता हूँ। ये हमारे भाई थे, भाई हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। इमरान ने इस वीडियो में गुरुद्वारे पर पत्थरबाजी और सिखों को धमकाने की बात कबूल ली है। इमरान ने अपनी गलती कबूल की है। अस्सलामुअलैकुम, मैं इमरान अली चिश्ती ननकाना साहब से। दोस्तों, जैसे आपने कल का वाकया देखा, मैं जज्बात में काफी सारी बातें कर गया जिसमें सिखों के बारे भी की और गुरुद्वारे के बारे भी की। कतन हमारा इरादा ना था ना किया है कि हम गुरुद्वारे का घेराव करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, ना हमने किया है ना करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जैसे मैं जज्बात में काफी सारी बातें कर गया सिखों के बारे, अगर किसी की भी की दिल आजारी हुई हो जिस जगह पे भी रहता है, तो मैं माजरत करता हूँ। ये हमारे भाई थे, भाई हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। और जैसे हम पहले इनकी इज्जत करते थे वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे हम पहले इनकी इबादत करने की इज्जत करते थे वैसे ही अब करेंगे। अगर किसी को मेरे इस जज्बात में जो मैंने बयान दिया था, अगर किसी की दिल आजारी हुई हो, तो मैं माजरत करता हूँ। ननकाना साहिब पर हमले से पाकिस्तान का झूठ तो बेनकाब हो गया है, लेकिन अब तक वीडियो में धमकाने वाले इमरान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पाकिस्तान में हिंदू और सिखों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जब भारत पाक का बंटवारा हुआ था, तब से लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं आया। ननकाना साहिब पर हमला होना बेहद शर्मनाक घटना है। न्यूज डेस्क। गुलामा ने मुस्तफा शहर का नाम रखा।